नमस्कार दोस्तों, आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि पासपोर्ट के इश्यू या री इश्यू के लिए किन स्पेसिफिक ग्राउंड्स पे पुलिस आपकी पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट को एडवर्स कर सकती है। दोस्तों, पासपोर्ट इश्यू या री इश्यू के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है और उस स्टेप का नाम होता है पुलिस वेरिफिकेशन। इन स्टेप से पहले जो स्टेप्स होते हैं उनमें आप पासपोर्ट सेवा केंद्र में जाते हैं, जाकर के अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भरते हैं, अपनी डिटेल्स को भरते हैं और वहां पर वो डिटेल्स चेक करते हैं, आपकी फोटोग्राफ लेते हैं, फिंगरप्रिंट्स लेते हैं, रेटिना स्कैन होता है और उसके बाद वो आपको एक तारीख देते हैं जबकि पुलिस आपके घर पे आएगी पुलिस वेरिफिकेशन के लिए। और जब पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आती है, अक्सर ऐसा देखा गया है वो कोई ना कोई छोटी सी गलतियां निकालते हैं और कहते हैं कि आपके फॉर्म पे जो डिटेल्स दिए हैं वो सो एंड सो पॉइंट पे गलत है, या फिर आपकी इन्फॉर्मेशन जो आपने दी है वो मैच नहीं कर रही, या फिर वो पुलिस ये भी कहती है अक्सर कि आप इस जगह पे जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है उस पे आप बस 2 साल से रह रहे हैं या 3 साल से रह रहे हैं। दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि पुलिस इन ग्राउंड्स पे पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट को एडवर्स नहीं कर सकती, वो पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट को नेगेटिव नहीं कर सकती इन ग्राउंड्स पे कि आप उस घर में पिछले 2 साल से रह रहे हैं या 3 साल से रह रहे हैं, या फिर आपके अगर फॉर्म्स पे वो कहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन गलत दी है, आपका नाम मैच नहीं कर रहा है, या आपका कोई इन्फॉर्मेशन जो आपने दी है वो फॉर्म पे मैच नहीं कर रही, पुलिस इन ग्राउंड्स पे पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट को नेगेटिव नहीं कर सकती। तो आज इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्ट कौन से ग्राउंड्स हैं जिन पे पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट नेगेटिव हो सकती है या एडवर्स हो सकती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि बहुत ही लिमिटेड ग्राउंड्स हैं जिन पर की पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट एडवर्स होती है। और अक्सर ये भी देखा गया है कि पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट को पॉजिटिव करने के लिए पुलिस पैसे भी मांगती है आपसे, या अगर नहीं मांगती तो ये अनकहा मतलब अनसेट सा एक नॉर्म है कि जब पुलिस पासपोर्ट के लिए पुलिस वेरिफिकेशन करने आए तो आप उनको कुछ पैसे दे दें। इससे क्या होगा कि आपकी पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट पॉजिटिव हो जाएगी। तो आज इस डिस्कशन में हम आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली सिर्फ और सिर्फ कौन से ग्राउंड्स है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि उन ग्राउंड्स के लिए आपको ना पुलिस को पैसे देने हैं और ना ही आपको पुलिस को रिझाना है किसी भी तरीके से। आपकी पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट अगर एडवर्स होती है किसी भी गलत ग्राउंड पे तो उसको ठीक भी कैसा करना है उसको भी हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, हमारे चैनल पे ऐसे ही जरूरी लीगल टॉपिक्स पे डिस्कशन होती रहती है। इन लीगल टॉपिक्स, डिस्कशंस और अपडेट्स के साथ इन टच रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से ग्राउंड्स हैं जिन पर पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट एडवर्स या नेगेटिव नहीं कर सकती, या पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट में कौन सी चीजों को कंसिडर नहीं किया जाता। सबसे पहला होता है कि जो आपने अपने पासपोर्ट एप्लीकेशन फॉर्म में डिटेल्स दिए हैं पुलिस को उन्हें वेरीफाई नहीं करना है। आपने जो भी डिटेल्स उसमें भरे हैं पासपोर्ट एप्लीकेशन फॉर्म में वो पुलिस का बिजनेस नहीं है, पुलिस का काम नहीं है उन्हें वेरीफाई करना। जी हाँ, नंबर 2 पे आता है कि आपकी आइडेंटिटी को भी वेरीफाई करना पुलिस का काम नहीं है। आपकी जो भी आइडेंटिटी आपने पासपोर्ट एप्लीकेशन फॉर्म में डाली है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो या वोटर कार्ड हो या आधार कार्ड हो, इट इज नन ऑफ द पुलिस बिजनेस टू रीचेक और टू रीचेक इट। पुलिस उसको रीचेक नहीं कर सकती है, वो ऑलरेडी पासपोर्ट सेवा केंद्र में हो चुका होता है। थर्डली, पुलिस आपके एड्रेस को भी वेरीफाई करने नहीं आती है पुलिस वेरिफिकेशन के टाइम पे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पुलिस अक्सर पुलिस वेरिफिकेशन को नेगेटिव कर देती है ये कहकर के कि आप अपने रेसिडेंस पे पिछले 1 या 2 साल से ही रह रहे हैं, इससे ज्यादा अगर आप रह रहे होते तो हम पॉजिटिव कर सकते, अब हम पॉजिटिव नहीं कर सकते हैं। इट इज नन ऑफ द पुलिस बिजनेस टू चेक और टू वेरीफाई योर रेसिडेंस। जो रेसिडेंस की वेरिफिकेशन होती है वो पासपोर्ट सेवा केंद्र में ही हो जाती है। और नंबर 4, पुलिस का ये भी काम नहीं है पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट के पुलिस वेरिफिकेशन प्रोसेस के दौरान कि आपके वो डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करें। अक्सर देखा जाता है कि पुलिस आपके घर आती है, आपने जो जो डॉक्यूमेंट्स अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगाए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स को वो दोबारा देखती है। ये पुलिस का काम नहीं है, ये काम पासपोर्ट सेवा केंद्र में हो जाता है। तो इसके बाद दोस्तों, हम ये जान लेते हैं कि पुलिस का क्या काम है। पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट जब वो जमा करते हैं उनका एग्जैक्ट काम क्या है। जब पुलिस वेरिफिकेशन होती है वो बस 2 पर्पसेस के लिए होती है, ओनली 2 पर्पसेस। नंबर 1, टू चेक योर सिटीजनशिप।
आपकी सिटीजनशिप क्या है। आपने अगर अपने पासपोर्ट एप्लीकेशन फॉर्म में अपना इंडियन सिटीजनशिप दिया है तो पुलिस ने बस ये करना होता है कि आप इंडियन सिटीजन एक्चुअल में है या नहीं। और इसके अलावा जो पुलिस चेक करती है नंबर दो पॉइंट पे, वो ये होती है कि आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग पेंडिंग है या नहीं। और अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग पेंडिंग है, आपके खिलाफ ऐसा कोई ऑर्डर है या नहीं जिससे कि आप बाहर ट्रैवल नहीं कर सकते, आपको पासपोर्ट इश्यू ना हो, बस इन दो बिंदुओं पे पुलिस वेरिफिकेशन होती है। तो जो पॉइंट्स है मैं दोबारा दोहरा देता हूं, नंबर एक कि आप इंडियन सिटीजन है या नहीं, और नंबर दो आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग है या नहीं। इनके अलावा किसी भी चीज के लिए पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट आपकी एडवर्स नहीं हो सकती। दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे कि मान लीजिए पुलिस ने गलत तरीके से आपकी पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट को एडवर्स कर दिया है या नेगेटिव कर दिया है, तो उसके लिए आप क्या स्टेप्स ले सकते हैं जिससे कि आपकी पुलिस वेरिफिकेशन फिर से पॉजिटिव हो जाए और आपका पासपोर्ट इजीली इशू हो जाए। दोस्तों जब हम अप्लाई करते हैं तो पुलिस वेरिफिकेशन के बाद हम जनरली ऑनलाइन जाकर के चेक करते हैं कि पासपोर्ट का स्टेटस क्या है, हम उसे ट्रैक करते हैं, और उसमें यह मैसेज आता है कि पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट इज एडवर्स एंड योर पासपोर्ट एप्लीकेशन इज अंडर रिव्यू एट द रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, ऐसा कुछ मैसेज आता है। तो अगर ऐसा मैसेज आए तो आप तुरंत एक आरटीआई फाइल करें, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर एक एप्लीकेशन फाइल करें रीजनल पासपोर्ट ऑफिस के पास कि एग्जैक्टली किस ग्राउंड पर आपका पासपोर्ट अभी होल्ड हुआ है, आपका जो पासपोर्ट एप्लीकेशन है वो उस पर एडवर्स पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट क्यों आई है, आप ये क्वेश्चन पूछते हुए एक आरटीआई फाइल करें। जैसे ही ये आरटीआई की एप्लीकेशन उनके पास जाती है, वो सबसे पहले आरपीओ, जो आरपीओ ऑफिस होता है, वो चेक करता है कि आपकी पासपोर्ट की एप्लीकेशन फॉर इशू या रीइशू अभी हेल्ड अप क्यों है। तो अगर वो देखते हैं कि पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं आया है तो जनरली वो आपके एप्लीकेशन को, पासपोर्ट एप्लीकेशन को अलाउ कर देते हैं। या फिर अगर आपकी आरटीआई के जवाब में कोई ऐसा जवाब आता है जो आपको इन दो बिंदुओं से परे होता है जो मैंने आपको अभी बताया है, एक क्रिमिनलिटी और नंबर दो सिटीजनशिप, इसके अलावा एडवर्स पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट किसी भी कारण से आती है जो इन दो बिंदुओं के अलावा होती है, तो आप हाईकोर्ट में जाकर के एक रिट पिटीशन फाइल करें और आप कहें कि मेरा जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू ट्रैवल अब्रॉड, वो इन्फ्रिंज हुआ है क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट गलत आई है और आरपीओ की जो ड्यूटी थी मेरे को पासपोर्ट इश्यू करने की, वो उन्होंने नहीं किया। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि राइट टू ट्रैवल अब्रॉड सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया है कि इट इज योर फंडामेंटल राइट, आपको कोई भी नहीं रोक सकता है फ्रॉम ट्रैवलिंग अब्रॉड, एक्सेप्ट ऑफकोर्स अगर आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग हो। अगर क्रिमिनल केस पेंडिंग है तो आप कोर्ट में जाकर के अर्जी लगा सकते हैं कि मेरा बाहर जाना जरूरी है या मेरे को किसी कारण से बाहर जाना है या छुट्टियों के लिए बाहर जाना है, मैं इस डेट को वापस आ जाऊंगा, मेरे को काइंडली परमिशन दी जाए। तो दोस्तों ये देखिए पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट का जो प्रोसेस है वो वैसे तो बहुत ईजी है, बट फॉर एक्स वाई जेड रीजंस कई बार उसको कॉम्प्लिकेटेड बना दिया जाता है और अक्सर हम कई बार पुलिस को पैसे भी दे देते हैं। मेरा ये एम था इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना कि पुलिस वेरिफिकेशन उतना बड़ा हवा नहीं है, ये दो बिंदुओं पे बस पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट एडवर्स हो सकती है, और मोर ऑफन देन नॉट जो भी लोग अप्लाई करते हैं उनकी पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट क्लियर होनी चाहिए। मैं खुद एक बार रीइशू करवाने गया था तो मैंने देखा था 3-3 साल तक लोगों के पासपोर्ट इशू नहीं हुए, एंड आई वॉज सरप्राइज, जिसके बाद मैंने सोचा था कि मैं ये वीडियो बनाऊंगा बिकॉज आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल्स पासपोर्ट्स आर हेल्ड अप फॉर रीजंस अदर देन फॉर विच दे शुड बी हेल्ड अप, गलत कारणों के लिए हेल्ड अप होते हैं। तो दोस्तों अगर इन दो ग्राउंड्स के अलावा आपका पासपोर्ट एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है या हेल्ड अप है तो आप लीगली प्रोसीड कर सकते हैं और आपको कोर्ट से ऑर्डर मिल सकता है फॉर इश्यू ऑफ योर पासपोर्ट। तो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस वीडियो, होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर हम ऐसे ही इम्पॉर्टेंट लीगल टॉपिक्स, कॉन्सेप्ट्स एंड अपडेट्स पे डिस्कशंस करते रहते हैं। और आपके पास कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे भी वो क्वेरी हमें डाल सकते हैं और हम उसे जल्द से जल्द आंसर करेंगे। फ्रेंड्स विद दिस आई टेक योर लीव, अंटिल नेक्स्ट टाइम गुड बाय।